हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, जिनकी आज गोरखपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेशी थी। बताया जा रहा था कि नॉन अवेलेबल वारंट जारी किया गया था। डॉक्टर साहब, पेशी हो गई आपकी, क्या जज ने आपको आदेश दिया है, कब अगली तारीख पड़ी है? अभी तो चूंकि हमें जो सूचना मिली थी आपके अखबार के वकील के माध्यम से कि वो केस में चूंकि MPMLA कोर्ट हो गया है, तो इधर से उधर फाइल आने जाने में मिसहैंडलिंग हो गई, जिसकी वजह से उसमें वारंट हो गया था और उसको आज मैं 10 बजे पेश हुआ और 10:30 बजे के आसपास जज साहब ने, चूंकि जमानत उससे पहले मिली हुई थी, तो जब किसी की केस में जमानत जब पहले मिली होती है तो उसे रिकॉल कराना होता है कि वो पुनः हमारी जमानत बरकरार रहे। मैं हमेशा जब भी न्यायालय आदेश करेगा मैं मौजूद रहूंगा, तो न्यायालय ने उस पर हमारे उस वारंट को रिकॉल कर लिया और अग्रिम आदेश। अब चूंकि आज वकील साहब लोगों का हड़ताल है, क्योंकि उस समय तक वहाँ सूचना नहीं पहुँची थी, इसलिए मैं सौभाग्यशाली था 10:30 बजे हो ही नहीं, तो आज भी भाई वकील साहब लोगों का भी सम्मान है, तो अब ये लोग हड़ताल पर हैं, तो अभी लोग अभी उस पर डेट पड़ेगी, जो डेट पड़ेगा उस पर हम लोग हाजिर होंगे। आज दो कोर्ट में आपकी पेशी थी, एक तो बस्ती के रेलवे के कोर्ट के द्वारा जो है आपको समन जारी किया गया था। मैं दोनों कोर्ट में गया था और दोनों में मैंने रिकॉल कराया है और दोनों को सम्मानपूर्वक हमने जो न्यायालय का सम्मान करते हुए मैंने पेश हुआ था और न्यायाधीश को मैं धन्यवाद दूंगा कि न्याय देने का काम किया। और हमारे वो चूंकि हम एक सिंबल हैं, केस भले मेरे ऊपर हुआ है लेकिन वह जनता की आवाज़ का केस था और जनता जनार्दन हमारे साथ है, उसको लेकर हुआ है, तो न्यायालय हमेशा सम्मान करता है और हमारे जनता का हम लोगों को न्याय मिला। वीडियो न्यूज़ प्रेम के साथ दीपक श्रीवास्तव, स्टेट गोरखपुर।